हेलो फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसके वो जो क्वेश्चंस हैं वो अपने संबंधित हैं शेषफल ज्ञात करने से। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे ना, उनको हल करने के लिए दो नियम अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। यदि घात विषम संख्या है तो घात एक या तीन लेंगे, यानी कि घात विषम संख्या है तो विषम संख्या ही घात लेंगे एक और तीन, या तो एक लेंगे या तीन लेंगे। वो परिस्थिति के हिसाब से आगे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे मैं बता दूंगा कि एक लेनी है या तीन लेनी है, ठीक है। यदि घात सम संख्या है तो घात क्या लेंगे, दो या चार, ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो इस प्रकार से है, यदि 25 के घात 31 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब 25 के घात 31 है, उसको यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो दोस्त, इसकी जो घात है वो क्या है, 31, और 31 सम संख्या या विषम संख्या। सम संख्या वो होती है दोस्तों जिसके इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आता हो, याद रखना आप। सम संख्या वो होगी जिसका इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आता हो, वो तो सम होगी। बाकी जो अगर नहीं आता है इकाई का अंक 2 के पहाड़े में तो वो विषम होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी घात विषम है तो अपने को क्या लेना, जब घात विषम होती है तो घात एक या तीन लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन तीन लेंगे, ये घात सॉरी पहले अपन घात एक लेंगे। तो 25 की घात एक भाग तीन तो कितना हो जाएगा, 25 भाग तीन, यानी कि जब 25 के अंदर अपन तीन से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, और कितना शेष रहेगा, एक शेषफल रहेगा। तो ये अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों। इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो आप तुरंत यहाँ पे ही कि 25 की घात एक 25 आ गया, 25 में 3 का भाग देंगे 8 3 24, एक शेषफल आ गया, तुरंत करोगे। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार अपना कि 14 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए तो क्या है, ठीक है। तो पहले देखो दोस्तों यहीं पर ही देख लेते हैं अपन कि क्या है, इसकी घात क्या है, 200, जो कि एक सम संख्या है। तो अपन क्या लेंगे, जब सम संख्या होती है घात तो अपन क्या लेते हैं, दो या चार। तो पहले अपन दो लेंगे, इसके अंदर कितना, दो, तो कितना हो जाएगा, 14 की घात 2 और भाग 18। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 196, यानी कि 196 में 18 का भाग देना अपने को। तो 196 में तब जब 18 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, फिर एक शेष रह गया 16, ये 0 आ गई, फिर 16 में भाग नहीं जा रहा, तो ये अपना क्या हो गया, शेष। इससे तो कोई मतलब नहीं अपने को, तो शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो शेषफल कितना जाएगा, 16, ये अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 37 की घात 37 प्लस 37 में 38 का भाग दे तो कितना आएगा। तो देखो दोस्तों, कुछ भी प्लस माइनस इनटू कुछ भी हो, अगर घात की घात अगर विषम संख्या है तो अपने को घात पहले एक लेनी है, अगर एक से काम नहीं चलेगा तो अपन क्या लेंगे, तीन। तो पहले अपन क्या करेंगे, 37 की घात 37 है तो इसकी घात एक ले लेंगे, क्योंकि घात विषम है इसलिए एक ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस कितना है, 37, और इसके अंदर अपने को किसका भाग देना है, 37 का। तो 37 37 की घात 1 का मतलब 37 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 37 प्लस 37 और भाग 37, ठीक है, सॉरी 38, भाग अपने को 38 का देना है, ठीक है दोस्तों। किसका देना है, 38 का। तो 37 37 कितने हो गए, ये हो गए 74। अब 74 में अपने को 38 का भाग देना है, तो आप आराम से भाग दे सकते हो, 74 में 38 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना शेष आ जाएगा, ये 6 हो गए, 4 3 कितना, 36 क्या रह जाएगा, शेषफल। तो इसमें आंसर कितना जाएगा, डी, 36 शेष है, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। सेकंड दिया, फोर्थ क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि 14 की घात 19 प्लस 2 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इनमें से किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, 4 की घात 19 दिया हुआ है तो 19 एक विषम संख्या है, तो 4 की घात 1 लेंगे और फिर क्या लेंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर कितना, 6। अब 6 से सभी के सभी जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे 6 से छोटे हैं, सॉरी 6 से बड़े हैं, तो इन संख्याओं का 6 में तो भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब अब घात अपने को चेंज करनी होगी। तो 4 की घात जब 19 दी हुई है तो अपन क्या करेंगे, अब की बार 4 की घात 3 लेंगे, ठीक है, और प्लस 2। अब देखो 4 की घात 3 इसका मतलब होता है 64, और प्लस 2 कितना हो गया,
अब अपने को ये देखना है कि 66 में कौन से ऑप्शन का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ऑप्शन सी यानी कि 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 4 की घात 41, 4 की घात 42, 4 की घात 43, 4 की घात 44 है, तो ये किससे पूर्णतः विभाजित है, वही बात इनमें से किस संख्या का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये हो गया 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से 4 की घात 41 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4 की घात 41 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, यहाँ पे 4 की घात 1, यहाँ पे 4 की घात 2, और यहाँ पे क्या रह गया, 4 की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको थोड़ा नीचे जगह कम है तो मैं आगे लिखता हूँ, ये तो आ गया 4 की घात 41। ठीक है, और यहाँ पे कितना गया, 1, 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 16, और 4 की घात 3 का मतलब 64। इसको अब अपन डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 4 की घात 41। ठीक है, इनको अगर इसको अब क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे तो 64 पे कितना हो गया, 80, 80 चार कितने हो गए, 84 1 85। अब देखो दोस्तों, 4 की घात 41 इंटू जो 85 आया, इसमें से किसका भाग जा रहा है, यानी कि इसके अंदर एक तो 5 का भाग जाएगा। ठीक है, और 5 का भाग जाने के बाद एक 17 का। ठीक है, तो 5 का भाग तो इसमें इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन 17 का तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 1 4 और निकाल लेंगे यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 4 की घात 40 इंटू 4, यानी कि 41 में से 1 4 और निकाल लिया, तो इधर कितना हो गया, 85। अब इसके अंदर देखो, तो 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, यानी कि 10 का भाग चला जाएगा इसके अंदर। 5 का देंगे 17 बार, और ये 2, और 2 का इसमें देंगे 2 बार, तो किसका भाग चला गया, 10 का भाग चला गया, तो ऑप्शन कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपना कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो इस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों ये कोई 5 का भाग दे रहे हैं अपन, इस कोई अज्ञात संख्या है इसके अंदर, तो शेष कितना बच रहा है अपना, शेष कितना दोस्तों, 3 बच रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग में फिर से 5 का भाग दे, यानी कि यहाँ जो संख्या है इसी का ही वर्ग है, इसी संख्या का वर्ग, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसके वर्ग में यदि 5 का भाग दें तो शेष कितना आएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो ऊपर वाला शेष है उसका भी वर्ग कर देंगे, फिर अपन 5 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाले का वर्ग करने पे कितना आ गया, 9, और 9 में अपन ने 5 का भाग दिया, कितनी बार चला गया, 1 बार, और शेष कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो गया डी। इस तरीके से आज अपना आज का वीडियो जो कंप्लीट हुआ, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, और नए जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और प्रत्येक वीडियो का आप लुत्फ़ उठाइए, समझिए और अच्छे से सीखिए। ये अपना संख्या पद्धति का भाग 8 था, और इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति की नाम से अपने अलग से उनको रखा हुआ है, तो जो इसके जस्ट पीछे वाला जो वीडियो दोस्तों, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके जस्ट पीछे वाला वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।